मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चले करते हैं दिन की शुरुआत, और दिन की शुरुआत हुई है आज दूसरों की गलियों में। मैं आ गई हूँ पार्लर में, ये देखिए। बट अभी ना यहाँ पे लॉक लगा है, कोई खोलने को तैयार ही नहीं है। तो मैंने जिसका पार्लर है मैंने उसको कॉल कर दिया है कि मैं बाहर खड़ी हूँ, तो वो भी आ रहे हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं कब आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, देखिए बैठ गई मैं हॉट सीट पे और ये गुड़िया मुझे रेडी करेंगी। आई थी मैं इनकी मम्मा से रेडी होने के लिए और कर रही है मेरे को ये रेडी। और देखिए फ्रेंड्स, मैं हो गई रेडी। बताइए कैसी लग रही हूँ कमेंट में। और इन दोनों ने मुझे रेडी करा है, सेजल अनु। हेलो, थैंक यू। इंजीनियर साहब देखते हैं क्या बोलेंगे, क्योंकि उनका रिएक्शन ना जरूरी है, और से कोई मतलब नहीं है। वो बोलेंगे अच्छी लग रही है तो ये मीन्स अच्छी लग रही हूँ। अगर उन्होंने कर दिया कि नहीं अच्छी लग रही तो यानी कि अच्छी नहीं लग रही। अब सांसों में तेरी सांसें घुली तो फिर सुलगने लगे एहसास। और देखिए फ्रेंड्स, मैं तो रेडी हो ही चुकी थी, और ये देखिए 12 बज चुके हैं और अब तक रेडी नहीं हुए हैं। मैंने बच्चों को भी तैयार, बच्चों को नहला दिया, धुला दिया, तैयार कर दिए, लेकिन अभी सिर्फ इनसे इंजीनियर साहब से तैयार नहीं हुआ गया है। और ये देखिए हमारी प्रीशा डार्लिंग रेडी हो चुकी है। ओए होए प्रीशा, ओहो प्रीशा बहुत स्मार्ट लग रही है ना प्रीशा। और ये मेरी लड्डू रेडी हो चुकी है, और ये हमारा राजा साहब। तेरे डैडी कहाँ गए? हम निकल चुके हैं और हम यहाँ पे कर रहे हैं मौसी का इंतजार, मौसी और मौसी की बहू का। और अब तक वो आए नहीं है, हमें यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं बट वो अभी आए नहीं है। और मम्मी बैठी है इंतजार में है राजू के। गाइस पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, ठीक है। उन्होंने बोला था सुबह 10 बजे पहुंच जाना है, और 10 बजे क्या, वो तो 10 बजे ही पहुंच गए हैं, 10:30 बजे, और हम सबसे ज्यादा लेट हैं। सब पहुंच चुके हैं वहाँ पे, हमारे पास फोन आया जा रहे हैं मनोज के भी। हेलो, हाय। पहुंच गए हम यहाँ पे और भैया बोल रहे हैं कि बहुत लेट आए हैं, तो आपकी भाभी ना मेकअप करा रही थी इसलिए लेट आई है। ओके। और ये हमारे आदेश भैया, और ये हमारे इंजीनियर साहब, और ये हमारा बैंकर, और ये हमारी दुल्हन ना गुस्सा हो गई है बहुत, और बहुत प्यारी लग रही है। जल्दी आ गई ना, इसलिए गुस्सा हो रही हूँ अभी, जल्दी है। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा।
चल के आए हैं। और ये आगे मेरे पति देव इंजीनियर साहब। और ये हमारा यूवी है और ये आपकी बार ना फर्स्ट आया है, ये बहुत इंटेलिजेंट बॉय है ना यूवी, से हेलो। अभी शर्मा रहा है। और ये इसकी बड़ी मम्मी हमारी मौसी जी, और इसे तो आप जानते हो मीनू। यहाँ पे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। और गाइस ये सगाई की रस्म है ना, करीबन करीबन एक घंटा चलती है। अब तो क्या है, सिर पे धागा रख लेते हैं, कलावा रख लेते हैं। पहले क्या होता था, पहले सिर पे ना रुमाल रखा जाता था, तो मेरे सिर पे रुमाल रख दिया था गाइस, और मेरे बाल खराब कर दिए थे पंडित जी ने। ये सारे भाई बंधु बैठे हैं अपने। और यहाँ पे कटिंग सी दे दी गई है, ऑलमोस्ट सारी रसम पूरी हो चुकी है। यहाँ पे सारे मंत्र पंडित जी ने पढ़ लिए हैं। और गाइस ये देखो बच्चे यहाँ पे खाना खा रहे हैं, वहाँ सगाई चल रही है। बच्चों ने कुछ नहीं कहा, शैतानी करने लग रहे हैं और आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक पी जा रहे हैं, और अब जाके खाना खा रहे हैं। हेलो सच्चे दरबार की जय। जो लड़के को चैन पहनाई जा रही है अभी, ये प्योर गोल्ड चैन, अंगूठी पहरा दी गई है। और लड़का लड्डू खाने में सर मारा है।
ये पान खिलाया जा रहा है लड़के को। ये सारी रस्म होती है गाइस, सगाई की रस्म पूरी हो चुकी है यहाँ पे। लड़के की जो गोद में समान है वो अपनी माता जी को देंगे अभी। माता जी के दादी जी को किसी बड़े को देंगे। और यहाँ सारी लेडीज बैठी हैं, सबकी गपशप चल रही है। हेलो आरती। और आरती दीदी बोल रही है कि मेरी मेहंदी में जरूर आना, लेकिन कैसे चलेंगे मेहंदी में, आपकी छुट्टी भी नहीं है। वही ना, मेहंदी में नहीं सॉरी हल्दी में, मेहंदी में तो हम जाएंगे ही, हल्दी में जाएंगे पक्का। कल के लिए बोल रही हूँ, हल्दी के लिए। ये देखो भाई साहब फोन में लग चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे जो कपड़े का जो होते हैं, कपड़े के साथ पैसे दिए जाते हैं, वो दिए जा रहे हैं लड़के वालों को। क्या क्या कपड़े हैं, किस किस के हैं, कैसे कैसे हैं, वो सब बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो भी ज्वेलरी वगैरह हैं लड़कों को दी जा रही है, भाई ये ज्वेलरी है, वो सब कुछ बताया जा रहा है, एक्सप्लेन करा जा रहा है यहाँ पे। यहाँ आरती के ससुर जी को अंगूठी पहनाई जा रही है। तो भाई ये ड्राई फ्रूट्स दिए हैं, ये लड्डू का टोकरी है और ये फलों की टोकरी है, जो कि रस्म के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। तो गाइस अभी हो चुके सगाई की सारी रस्म खत्म। खाना वाना खिला दो इन्हें। हाँ बबलू अंकल, क्या काम कही हो, बड़ा कही हो, कभी बेल के जा रहे हो रानी पे। और दीदी को ना अपने हंसा दिया है। और ये देखिए हमारे दूल्हा दुल्हन ना बैठ गए हैं अपने डाइनिंग टेबल पे, और बहुत प्यारे कपल लग रहे हैं दोनों। कंग्रेचुलेशन दोनों को। बट अभी ना खाली है प्लेट, अभी कुछ नहीं आया है, अभी आएंगे इसमें खाना, ठीक है, अभी इसे दिखावे के लिए रखा है। हेलो हेलो हेलो। और ये इनकी नंद है और ये इनके देवर हैं। हेलो। और ये देखिए इनकी जिंदगी का सफर शुरू हो रहा है। और ये इन्हें देखो जाते जाते भी ना खा के जा रहे हैं आइसक्रीम, चैन नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए तो पकड़ाई थी आइसक्रीम। जाते जाते भी चैन नहीं है, खाते खाते जा रहे हैं। अब चल दिया हम, आ गया हमारा जाने का नंबर, हो गई है सगाई, गोद भराई, एंगेजमेंट सब हो गया है, रिंग सेरेमनी सब हो चुकी है। अब चलते हैं घर पे। हाँ जी जरूर आएंगे। हाँ हाँ टाइम से आएंगे। यहाँ लग चुकी गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ, क्योंकि अब आ चुका है यहाँ से चलने का नंबर। ये अपनी गाड़ी भी तैयार है दूसरी, हाँ जी चलने के लिए रेडी। ओके ओ आरती यहाँ पे फंस गई है गाड़ी में। बाय बाय बाय, मिलते हैं शादी में, जल्दी आ जाना टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, एक दो दिन पहले। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे, ठीक है, एक दो दिन पहले आना भैया। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ठीक है बाय। चलो भाई साहब ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, चलो भाई साहब मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके जी।